हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। और जैसे कि आप देख सकते हो कि जो हमारे हिस्ट्री क्वेश्चन है ये बीपीएससी के अंदर आए हुए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देर नहीं करेंगे। पिच्चेकारी यानी कि पिट्रा ड्यूरा जो शैली थी वो किससे संबंधित है, यानी कि उसके अंदर क्या चीज़ आती है। तो मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना ये नहीं होता, और संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना ये भी उसके अंदर जो है नहीं होता। तो इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना ये भी उसके अंदर नहीं होता। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए है, क्योंकि दीवारों में क्या है इसके अंदर अर्ध कीमती पत्थर जड़ी यानी फूलों की नकाशी करना इसके अंदर शामिल होता है। तो ये पिट्रा ड्यूरा शैली होती है। सेकंड देखिए, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए क्या किया था, चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए हैं। तो दोस्तों चित्रकारी के लिए जो कारखाने बनवाए हैं, सबसे पहले बात करते हैं अकबर की। अकबर ने भी ऐसा कार्य किया है, जहांगीर ने भी किया है। शाहजहां और हुमायूं को इतना इसमें चित्रकारी में उन्होंने इतना कार्य नहीं किया, लेकिन आंसर को देख करके इसका आंसर हमें ई करना पड़ेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर ई रहेगा दोस्तों। थर्ड देखिए, बंगाल में द्विशासन जो प्रणाली लागू हुई थी वो किसके द्वारा लागू की गई थी। तो द्विशासन जो प्रणाली दोस्तों हमें पता है कि ये लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है इसको 1772-74 के लगभग इसको समाप्त कर दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, नेक्स्ट हमारे एग्जाम जो भी होंगे उनको लेकर। फोर नंबर देखिए, इनमें से किसने 1893 में क्या किया, शिकागो की जो धर्म संसद हुई थी वहाँ पर भाग लिया था। तो ये भाग लेने वाले स्वामी विवेकानंद थे, और इनके बारे में काफ़ी फेमस है दोस्तों। इन्होंने ये कहा था वहाँ पर जा करके कि आप जो है पशुता का जीवन जी रहे हो, असली जीवन अगर आपने जीना है तो हमसे सीखिए। तो काफ़ी फेमस हुए थे वहाँ पर ये। तो 20 का राइट आंसर है। 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन जो है किसने किया था। तो जैसे ये स्वराज पार्टी जो बनी थी 1923 के अंदर, ये बनी थी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों के द्वारा ये बनाई गई थी। और ये कांग्रेस के अंदर ही रह करके इन्होंने क्या किया था कि ये उसका अपोज करने वाले थे जो इलेक्शन वगैरह होने थे, तो कांग्रेस ने उसको अपोज किया, लेकिन ये दोनों जो थे इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने जो अपनी पार्टी बना ली थी, इस पार्टी ने भाग लिया था और अच्छे खासे यानी कि मत इन्होंने वहाँ पर प्राप्त किए थे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इस प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना की थी। तो ये रचना करने वाले दोस्तों तीन बंधु मित्र थे, और ये क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, हर एग्ज़ाम में आता है, जो भी हमारे छोटे मोटे एग्ज़ाम होते रहते हैं हमारे जो भी। 1760 का जो प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध है वो अंग्रेज़ों द्वारा किसके खिलाफ जो है लड़ा गया था। तो ये फ्रांसीसियों के विरुद्ध जो है लड़ा गया था, और इसके द्वारा इन्होंने बिल्कुल जो है फ्रांसीसियों का सफाया कर दिया था यहाँ से। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। इनमें से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया। तो निर्वाचक मंडल की बात हो रही है, तो ये 1909 के अंदर जो है मुसलमानों को जो है अलग से निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था, यानी कि इनके लिए अलग से पद जो है आरक्षित कर दिए गए थे, और 1919 के अंदर जा कर के जो है सिखों को भी इसमें ऐड कर दिया गया था। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अगर सिख समुदाय की बात होगी तो वो 1919 के एक्ट में ऐसा किया गया था। आपको चीज़ें जो है ऑथेंटिक बुक्स जब आप पढ़ोगे उनके अंदर ये मिलेंगी, जैसे किरण पब्लिकेशन वगैरह, इनके अंदर ये चीज़ें नहीं मिलती हमें। 9 देखिए, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में जो कोल विद्रोह हुआ था वो किस क्षेत्र के अंदर हुआ था। तो दोस्तों इसके आप खुद एक बार इसके जो आंसर लगाने की कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा एक बार बार जब हम करते हैं चीज़ों को तो याद बने रहने की पावर सही रहती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है सिंह भूमि, जो इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है 9 का। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में दोस्तों कुंवर सिंह ने जो है इसका नेतृत्व किया था, क्योंकि इससे क्या है ये वहाँ पे उस टाइम पे कुछ लैंडलॉर्ड था, काफ़ी ज़मीन वगैरह थी इसके पास, तो वो छिन जाती है, तो मोस्टली यही रीज़न था इसका विद्रोह वगैरह करने का, तभी ये विद्रोह में शामिल होता है। 11 देखिए, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो वो आकर्षित करने वाले दोस्तों राजकुमार शुक्ल जो है इनके पास गए थे पहले, और जब ये स्टार्टिंग में जिनके पास जाते हैं गांधी जी के पास, तो ये इनको नहीं मिलते, तो इनको वेट भी करना पड़ता है और वहाँ रुकना भी पड़ता है, तो इनके बुलाने पर ही ये जो है चंपारण आते हैं, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। प्राचीन महाजनपद जो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, जो मगध की सबसे प्राचीन राजधानी जो थी दोस्तों
वो पाटलिपुत्र थी। ए इसका राइट आंसर है, 12 का ए रहेगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है निम्न में से किससे संबंधित थे? तो दोस्तों बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था ये उससे संबंधित थे, किसान आंदोलन से ये संबंधित है। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो भारत की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर जो चंपारण के अंदर उन्होंने किया था 1917 के अंदर, तो ये यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले सविनय अवज्ञा जो है इसका यूज किया था और डेविड थोरो से इन्होंने ये ली है। 15 देखिए, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुटे हुए खेत के निशान मिलते हैं? तो ये मिलते हैं दोस्तों कालीबंगा से। कालीबंगा जो है राजस्थान में पड़ता है और काफी ये इम्पोर्टेंट है कालीबंगा। त्रिरत्न यानी कि त्रिरत्न जो है, जैसे कि तीन रत्न जो दिए गए हैं, सती ज्ञान सत्ता सत्य आस्था सती क्रिया, तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म का ये मूल आधार भी माने जाते हैं। 17 देखिए, निम्न में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति यानी कश्मीर में आयोजित की थी? जो चौथी बौद्ध संगति इसमें से की है दोस्तों, ये की है कनिष्क ने, कनिष्क के टाइम में हुई है। सबसे पहले जो होती है राजशत्रु के टाइम में होती है फर्स्ट पे, काल अशोक के टाइम में सेकंड वाली होती है, अशोक के टाइम में थर्ड वाली होती है और फोर्थ होती है कनिष्क के टाइम में। तो इनके आपको कर्म भी आपको याद होना चाहिए कि किस कर्म में कौन सा आएगा। 18 देखिए, इनमें से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैसे कणाद को माना जाता है दोस्तों, कणाद माना जाता है राइट आंसर इसका। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर में एक जो संख्या भी इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन मेरी तरफ से ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में, क्योंकि मैं इसकी आंसर की जो मैंने ली है तो उसमें संख्या जो है इसका आंसर दिया गया है। आप इसका खुद सर्च करना ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लोह की नीति को अपनाया था? तो ये अपनाया था दोस्तों बलबन ने, 20 का राइट आंसर है। 20 देखिए, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर जो है स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो स्थानीय स्वशासन दोस्तों सबसे जो अच्छा रहा है यानी ग्राम वगैरह का प्रशासन, ये चोलों का रहा है। चोलों का सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्वशासन माना जाता है भारत के अंदर, और एक प्रांत प्रथम का जो है अभिलेख मिलता है, उत्तर मेरु अभिलेख, उसके अंदर जो है इसके काफ़ी अच्छे से डिटेल दी गई है कि कौन से अधिकारी पहले पे होते थे, कौन से सेकंड पे होते थे। तो काफ़ी अच्छे से वहाँ उस अभिलेख के अंदर जो है सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।